महिलाओं को टॉर्चर करने वाला एक विलन आजकल खूब फेमस हो रहा है और इसी के साथ एक गांव का नाम भी चल रहा है, वो है संदेश खाली, जिसे सुनकर आपके मन में जरूर आया होगा कि अरे यार आखिर है कौन ये विलन और इसके गांव संदेश खाली की कहानी क्या है, जिसके बारे में हर न्यूज़पेपर से लेकर टीवी में बातें चल रही हैं। आपको भी नहीं पता कि ये विलन कौन है और ये बंगाल का संदेश खाली गांव की कहानी क्या है, तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। संदेश खाली के अचानक सुर्खियों में आने की वजह है शेख शाहजहां, जिसे हम विलन कह रहे हैं। दरअसल विलन उसे हर कोई कह रहा है क्योंकि उसने काम ही कुछ ऐसे किए हैं। बीती 5 जनवरी को जब ईडी शाहजहां के घर पर छापेमारी करने पहुंची तब टीम पर हमला कर दिया गया। इसमें ईडी के 3 अफसर भी जख्मी हो गए। अब संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां पर गलत काम करने के आरोप लगाए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि महिलाएं दावे कर रही हैं कि शेख शाहजहां की वजह से औरतें संदेश खाली में ठीक से नहीं रह पा रही हैं और उन्हें बाहर निकलने से भी डर लगता है। संदेश खाली के आरोपियों में टीएमसी के नेता और भी शामिल है, जैसे कि शिबू हजरा और उत्तम सरकार का नाम भी इसमें है। शिबू हजरा और उत्तम सरकार को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभिषेक शाहजहां फरार है। वहीं जिस दिन ईडी की टीम शाहजहां के घर पर छापेमारी करने गई थी तभी से वो फरार है। संदेश खाली में शाहजहां की पहचान टीएमसी के ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं के तौर पर की जाती है। वो इस समय टीएमसी में संदेश खाली यूनिट का अध्यक्ष भी है। बताया जाता है कि इलाके में किसी सांसद या विधायक से ज्यादा ताकत और लोकप्रिय बंगाल में शाहजहां है, लेकिन शाहजहां के लिए ये सब हमेशा नहीं था। बताया जाता है कि इलाके में शाहजहां को भाई भी कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 के दशक तक शाहजहां ने कभी कंडक्टर का काम किया है तो कभी सब्जियां बेची है, कभी उसने ट्रैक्टर भी चलाए हैं और बहुत छोटे छोटे काम किए हैं। उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पंचायत चुनाव के लिए दायर अपने कागजातों में शाहजहां ने पढ़ाई लिखाई वाले कॉलम को तो खाली ही छोड़ रखा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि शाहजहां जब इतने छोटे छोटे काम करता था तो वो इतना बड़ा नेता कैसे बन गया, उसके पीछे की भी कहानी अलग है। शाहजहां ने अपने कारोबार के लिए इलाकों के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को काम पर रखा था, उन्हें मोबाइल और बाइक भी दिलाई थी, बेटी की शादी पर गरीब परिवार की मदद की, अंतिम संस्कार के लिए पैसे दिए। स्थानीय लोग अपने पारिवारिक वादों को सुलझाने के लिए भी शाहजहां के पास आते थे। तो शाहजहां हर किसी के लिए अच्छा करता था, लेकिन वहीं इसके भी दो मत है। कुछ लोग शाहजहां के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कह रही हैं कि शाहजहां की वजह से हम बंगाल में नहीं रह पा रहे हैं। और एक ऐसी ही महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें उन्होंने कहा कि शाहजहां की वजह से वो घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रही है। तो फिर क्या था, शाहजहां के पीछे सब पड़ गए और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शाहजहां का बचाव कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार तो हमेशा से ही शाहजहां को टारगेट करती आई है। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जहां एक तरफ शाहजहां औरतों को परेशान करता है, गलत करता है उनके साथ, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी उसी इंसान का साथ दे रही है। ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इस सवाल को लेकर आपका क्या मानना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़बुक के साथ।